हे प्यारी जून, हमारी मति कभी ऐसा ना हो कि आपसे अलग होकर किसी और शानदारिक सुख में चली जाए। इसलिए हे करुणामयी, आप कृपा कर हमारी बुद्धि को संभालते रहिए कि आपके सिवा और कहीं ना लगे। हे स्वामी, आप सदैव ऐसे ही मुस्कुराती रहें। हमारे जीवन में कभी ऐसा कोई आचरण न बने जो आपके विरुद्ध हो। ये सत्य है कि आपको कभी रिस नहीं आती, पर प्यारी जू, आपसे यही विनय है कि हमारा जीवन आपके प्रसन्नता के लिए ही ऐसे आचरण करे जिससे आपके विरुद्ध कभी न हो। उपासक को अपने इष्ट देव आराध्य देव में ऐसी प्रियता हो जाए कि अपने प्राण प्यारे के विरुद्ध हम सोच भी नहीं सकते। अपने प्राण प्यारे के विरुद्ध आचरण करने की वो बात जाने दो, हम सोच भी नहीं सकते। पर ये बिना निष्ठा के मन फिसलता रहता है। जब तक गुरु प्रसाद से इष्ट निष्ठा जागरण नहीं होती, तब तक ये मन हमें विवश करके भोगों में या प्रभु के विरुद्ध आचरणों में फंसाता रहता है। चाहे जितनी कसम खाओ, तुम्हारी कसम काम नहीं करेगी। काम करती है निष्ठा। निष्ठा उसे कहते हैं चाहे प्राण चले जाएं, पर हम जो नियम लिया है उसको नहीं तोड़ सकते, उसे नियम निष्ठा कहते हैं। चाहे प्राण चले जाएं, गुरुदेव के विरुद्ध नहीं हो सके, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए प्राणों को न्यौछावर कर देंगे, ये गुरु निष्ठा होती है। चाहे प्राण निकल जाए, कभी नाम जप नहीं छूट सकता, इसे नाम निष्ठा कहते हैं। चाहे प्राण तक कष्ट हो जाए, कभी धाम की सीमा के बाहर नहीं हो सकते, ये धाम निष्ठा होती है। ऐसे ही सेवा निष्ठा, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, इन निष्ठाओं से ही मन को रोका जा सकता है। अन्यथा बहुत ही प्रबल और चंचल स्वभाव का मन वो विषयों में गिरा देता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, कैसी आराध्य देव की निष्ठा है, अगर ये धारण हो जाए तो निहाल हो जाए, इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार हो जाए, इसे निष्ठा कह रहे हैं। कह रहे हैं कि श्री किशोरी किशोर जो, इनका नाम, इनका रूप, इनकी लीला जहां प्रकाशित हो रही है, ऐसे परम पावन प्रेम प्रदान करने वाले वृंदावन का मैंने हृदय से आश्रय लिया है। इसलिए मैं प्रिया प्रीतम की चर्चा, नाम कीर्तन, धाम की महिमा, रसिकों का संग, रसिकों की चर्चा, इसके सिवा नान्यम बदामि, हमारी वाणी मौन रहेगी, कभी नहीं भूलेगी। धन्य है वो उपासक जो इस निष्ठा को प्राप्त है। नान्यम बदामि, हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो। अगर प्रियाल की चर्चा के सिवा धन्य बोलूं तो मेरी जबान कट जाए। नान्यम बदामि, देखो ये निष्ठा बिना धारण किए वाकेंद्री पावन नहीं होगी। वाकेंद्री पावन नहीं होगी तो उसी में विराजमान रसेंद्री भी अपावन रहेगी। रसेंद्री बिगड़ी हुई है तो जनेंद्री को शासन में ले नहीं सकते, अर्थात समस्त इंद्रियां आपको अपने अधीन कर लेंगी। जो इंद्रियों के अधीन होता है उससे पापाचरण बनता है, जिससे पापाचरण बनता है उसकी दुर्गति होती है। बिना निष्ठा के नहीं। निष्ठा मानो ऐसी ब्रेक है कि तत्काल उसको रोका जा सकता है। जो हमारी संसार की तरफ वृत्तियां बढ़ रही उनको तत्काल रोका जा सकता है। निष्ठा में ताकत है, और किसी में। जैसे ब्रह्मचर्य की निष्ठा, उसका ब्रह्मचर्य पर महत्व हुआ और ब्रह्मचर्य निष्ठावान, तो चाहे स्वर्ग की अप्सरा आ जाए, उसके मन में काम भोग की लालसा नहीं पैदा हो सकती। निष्ठा में ताकत है, अन्य नहीं। अन्य तो फिर मन बड़ा चंचल है, वो फिर टिकना मुश्किल, थोड़ी देर लड़ेगा फिर परास्त होकर उसी में गिर जाएगा। निष्ठावान नहीं, लड़ने की जरूरत नहीं, रुचि ही नहीं है,
स्वाभाविक रुचि नहीं रहती निष्ठावान की। नान्यत बदामी, नहीं बोलूंगा। प्रियालाल की चर्चा, भगवत चर्चा, नाम जप, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, इसके अलावा मौन। अब देखो कौन उपासक किसको धारण करता है।